राधे कृष्णा, जैसे कि राधा अष्टमी आने वाली है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राधा अष्टमी पर राधा रानी के भोग में बनने वाली दही अरबी की रेसिपी। राधा रानी का प्रिय भोग है दही अरबी और राधा अष्टमी पर राधा रानी को दही अरबी का भोग जरूर लगाया जाता है। इस दिन ब्रज, वृंदावन, बरसाना में मिठाई की दुकानों पर भी अरबी मिलती है। आप वहां से लेकर भी राधा रानी को भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को दही अरबी का भोग लगाने का विशेष महत्व होता है। तो आइए शुरू करते हैं दही अरबी को बनाना। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है या थोड़ी भी यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 250 ग्राम अरबी। इसे धोकर साफ कर लिया है, अब इसे छील लेंगे। ये कच्ची अरबी है, हमने इसे बॉईल नहीं किया है। और आप इस तरह से मीडियम साइज की अरबी लें, ये काफ़ी अच्छी होती हैं। बहुत ज़्यादा पतली या मोटी अरबी ना लें। सभी अरबी को छील कर साफ कर लिया है। अब एक बोल में पानी लिया है और इन अरबी को पानी में डालकर अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब इन्हें सूखे कपड़े पर निकालकर पोंछ कर सुखा लेंगे। अब अरबी को काट लेंगे और जो भी इस तरह से निशान दिख रहे हैं उन्हें काट कर अलग कर लेंगे। मैं यहाँ पर अरबी को इस तरह से लंबाई में काट रही हूँ। आप इसे गोल या अपनी पसंद के किसी भी शेप में काट सकते हैं। इसे बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा मोटा ना काटें। सभी अरबी कट चुकी हैं। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। अरबी को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में घी गर्म कर लिया है। घी तेज गर्म हो गया है। अब इसमें ये कटी हुई अरबी डाल देंगे और चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। आप घी की जगह यहाँ तेल का भी यूज कर सकते हैं, पर ये सब्जी हम भोग में बना रहे हैं इसलिए घी का इस्तेमाल करना ही ज़्यादा उचित होगा। अरबी को फ्राई करते टाइम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखें। ज़्यादा लो फ्लेम पर अरबी को फ्राई करेंगे तो अरबी घी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी और ज़्यादा हाई फ्लेम पर अरबी जल्दी से लाल पड़ जाएगी। जब तक अरबी फ्राई हो रही है तब तक सब्जी के लिए मसाला बना लेते हैं। मसाले के लिए यहाँ पर लिया है हमने 1 कप हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक कटा हुआ। एक जार में सभी चीज़ों को डालकर चटनी जैसा पीस लेंगे। इसमें 1/4 कप या ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलाएं। और ये देखिए चटनी बनकर तैयार है। यहाँ पर हमने 1/2 कप फ्रेश दही लिया है। इसे अच्छे से फेंट लेंगे जिससे कि दही बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और ये देखिए दही भी बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए अरबी भी फ्राई हो गई है। इसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। अरबी को घी से निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पर सेम कढ़ाई में 2 चम्मच घी छोड़कर बाकी घी को निकाल लिया है। अब इसी घी में डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर इस सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है। अजवाइन क्रैकल होने लगा है और हल्का सा लाल पड़ने लगा है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये धनिये वाला मसाला या चटनी और लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इस मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। मसाला भुन गया है और ये देखिए मसाले से घी सेपरेट होने लगा है। अब गैस की फ्लेम को लोएस्ट पर कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे ये फेटा हुआ दही और लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे कि दही बिल्कुल भी फटेगा नहीं। अब इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे।
ट्रेडिशनल तरीके से जो दही अरबी बनती है उसमें अरबी को फ्राई करने के बाद रात भर दही या छाछ में भिगोकर रखा जाता है, पर हम यहाँ पर इंस्टेंट दही अरबी बना रहे हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ये फ्राई की हुई अरबी और मिक्स कर लेंगे। इसे ढककर 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। 2 मिनट के बाद चेक करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च का फ्लेवर इस सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया आता है। और 1/2 टीस्पून या स्वाद अनुसार नमक मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ढककर 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे। यहाँ अरबी को बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अरबी पहले से ही फ्राई कर ली है। और ये देखिए, सारी ग्रेवी अरबी के साथ मिक्स हो गई है और सारा पानी इसका एब्जॉर्ब हो गया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे भोग प्रसाद के अलावा जनरली ऐसे ही घर में भी बनाकर खा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।